अब आइए आपको लिए चलते हैं महानगर के वार्ड नंबर 53 में, जहां द्वारे सरकार मुहिम के तहत लक्ष्मी भंडार योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं वार्ड कोऑर्डिनेटर इंद्राणी साह ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में इन दिनों द्वारे सरकार मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें महानगर के तमाम वार्डों में कैंप लगाकर ममता सरकार के अलग अलग योजनाओं में रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें खास तौर से लक्ष्मी भंडार योजना के लिए लोग जमा हो रहे हैं। इसी कड़ी में महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 53 अंतर्गत तालतला हाई स्कूल में ये कैंप लगाया गया, जिसमें वार्ड के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं स्थानीय कोऑर्डिनेटर और उत्तर कोलकाता की तृणमूल महिला कांग्रेस की अध्यक्षा इंद्राणी साह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धन्यवाद किया और कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी महिलाओं के लिए सोचती हैं। लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं के लिए एक तोहफा है। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि हमारे वार्ड में ये काम और भी चरणों में किया जाना है। उन्होंने कहा कि अगला कैंप हम लोगों का 31 अगस्त, 6 सितंबर और 10 सितंबर को लगाया जाएगा, इसलिए आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम बहुत अच्छा इफेक्ट फील रहा है, आप तो देख ही सक रहे हैं। मेरा वार्ड का आदमी लोग, मतलब महिला लोग का लक्ष्मी भंडार स्कीम के लिए सब कोई कितना इंटरेस्टेड है। आज ममता बनर्जी को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। वो ये बात सोचिए, हर लड़की का हाथ में कुछ ना कुछ आना चाहिए, जो उसका हस्बैंड से या लड़का से उनको हेल्प नहीं लेना पड़े या पापा से उसको हेल्प नहीं लेना पड़े। हर लड़की का अकाउंट में 500 रुपीज़ करके आएगा, वो अपना जैसा अपना खर्चा कर सकेगी। तो दीदी के इसलिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दीदी एक महिला चीफ मिनिस्टर है और महिला लोग के लिए इतना सोची है, इसलिए दीदी को थैंक यू। और इस बार द्वारे सरकार में ज़्यादा भीड़ है ये लक्ष्मी भंडार स्कीम के लिए। लक्ष्मी भंडार स्कीम छोड़ के भी यहाँ पे शास्त्र साथी कार्ड का भी काम चल रहा है, फिर विधवा भाता, वार्धक्य भाता, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है। मतलब हम लोग को एवरी डे सब कोई पूछ रहा है, दीदी दीदी जो बोली है 10 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन मिलेगा, वो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लड़की लोग, स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, आके बात कर रहा है, बात करके कैसे करके करना पड़ेगा, वो लोग यहाँ से ये काम भी हो रहा है। तो इसलिए थैंक यू टू दीदी जो द्वारे सरकार का इतना अच्छा एक तो कैंप की है। और मेरा वार्ड में आगे और 4 दिन भी होगा, 31, 6 सितंबर, 10 सितंबर, और 4 दिन मेरा वार्ड में ये कैंप चलेगा। और इसके लिए दीदी को हम शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत अच्छा से द्वारे सरकार का काम हो रहा है और साधारण पब्लिक का बहुत हेल्प हो रहा है। लक्ष्मी भंडार के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दीदी? लक्ष्मी भंडार के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक का पासबुक का जेरोक्स और शास्त्र साथी कार्ड का जेरोक्स चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स एकदम मैंडेटरी है और फोटो भी चाहिए उसके साथ। हाँ, यहाँ पे बन रहा है शास्त्र साथी का कार्ड बन रहा है। शास्त्र साथी, जिसका शास्त्र साथी कार्ड नहीं है वो पहले आके शास्त्र साथी कार्ड बनाएगा, उसके बाद द्वारे सरकार में दूसरा कैंप में आके अपना लक्ष्मी भंडार का फॉर्म फिलअप करेगा। एक्चुअली आदमी क्या सोच रहा है, जो आज ही लास्ट कैंप है, आज ही जमा देना है, आज ही सब करना है। तो लड़कियों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सबको पता नहीं है हम लोग का और 4 दिन डेट होगा। जैसे जैसे आदमी को पता चल रहा है, बहुत 31 अगस्त हम रिक्वेस्ट करेंगे, और भी 4 डेट है, इतना हड़बड़ाने का कोई मैटर नहीं है। हाँ, सबका काम होगा, आस्ते धीरे होगा, सब कोई को थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोलेंगे। थैंक्स टू दीदी एंड अभिषेक बनर्जी जो हमको ये पोस्ट के लिए उन्होंने चुना है। हम चाहेंगे कि दीदी का नाम उज्जवल कर सके। दीदी जो पोस्ट हमको दी है उसका जिम्मेदारी हम अच्छा से निभाने का कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे वार्ड के लोगों से एक ही गुजारिश है कि इसके अलावा और हम लोग के पास 3 दिन है, 31 अगस्त, 3 सितंबर एंड 10 सितंबर। आप सभी से गुजारिश है, आप आराम से करें, धीरज रखें, सबका काम होने वाला है इंशाल्लाह। धीरज, एक ज़रा सा धीरज रखें, बस यही हमारे समय से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हमारा। इतना हुड़ा हुड़ी ना करके आराम से आए, 3 दिन हमारे हाथ में टाइम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्ड के जितने लोग हैं सभी को ये चीज़ फुलफिल हो पाएगा।